पीकेएल सीजन 10 में अपने होम लेग के सारे मैचेस गंवाने वाली इकलौती टीम थी, वो टीम थी तमिल थलाइवास। आज उस वीडियो में हम बात करेंगे तमिल थलाइवास का सीजन कैसा गया, अशन कुमार की कोचिंग कैसी गई, एनवाईपीस ने कैसा परफॉर्म किया, सागर राठी की कप्तानी, साहिल गुलिया की डिफेंडिंग, अजिंक्य पवार, नरेंद्र कंडोला, कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए रिटेन प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीजन कैसा रहा आदि भाई। तो 22 मैच 9 जीत 13 हार, क्या कहना चाहेंगे बाकी 22 मैच में 9 मुकाबले जीते। याद है, आप सबको याद होगा, फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन सबसे ज़्यादा खराब गया था और तेलुगु के साथ ये भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। एक जो 3 जीत 8 हार थे फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में, यानी 11 मैचेस में से 8 मैच अगर आप हार जाओगे तो सीजन में आप वापसी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करने के लिए। लेकिन एक जो चीज वहां देखने मिल रही थी, नरेंद्र कंडोला जो पिछले सीजन के फाइंड ऑफ द सीजन थे टीम के लिए, उनका प्रदर्शन नहीं आ रहा था जितना एक्सपेक्टेड था। कितने मैचों में बेंच पे भी बैठाया गया उनको, कुछ मैचेस के लिए कप्तान सागर राठी भी बाहर थे, उनका भी प्रदर्शन नहीं आ रहा था। टीम कहां पिछले सीजन इतना बढ़िया कमबैक करके प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई की थी, सीजन बिल्कुल ही अजीब सा खेल दिखाया। सेकेंड ऑफ द सीजन में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए, प्लेयर्स ने स्टेप अप किया तो थोड़ा परफॉर्मेंस बेटर हुआ, लेकिन आपको होम लेग मिलता है आपके पर्सनल एडवांटेज के लिए, वहां आप सारे चारों के चारों मैच हारोगे तो फिर कहां से मोमेंटम क्रिएट होगा टीम में। तो ये गलतियां रही, अभी हमें चलना चाहिए परफॉर्मेंस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे, रिटेंशन पे। रिटेंशन जी, तो भाई सबसे पहले तो जो रेडिंग में नाम आ रहा है, जैसा आदि भाई आप बोल ही चुके हो, नरेंद्र कंडोला डिस्पाइट ऑफ उनका फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन अच्छा नहीं गया था, उन्होंने वापसी कराई टीम को। एक जो स्लाइट होप्स थी ना, वो नरेंद्र कंडोला और डिफेंस लाए। तो नरेंद्र कंडोला एक खिलाड़ी हो सकते हैं जो रिटेन हो जाए, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं इनके कि इनको टीम रिटेन करेगी, क्योंकि 195 टोटल पॉइंट्स हैं इनके 21 मैचेस में, 9 टैकल पॉइंट भी हैं उसमें से। तो आपको और क्या चाहिए, बंदा आपको रेड में करके दे रहा है, डिफेंस में करके दे रहा है, दूसरे खिलाड़ी कौन हो? मेरे को टोटल इन टोटल यहाँ पे 3 या 4 खिलाड़ी ही हैं कि जो रिटेन होते नजर आ रहे हैं, तो उनमें से एक का तो नाम नरेंद्र कंडोला हो गया, जो कि श्योर शॉट रिटेन किए जाएंगे टीम के लिए, मेन रेडर की भूमिका निभाते हैं। बात करें टीम के कप्तान और साहिल गुलिया साथ में, यानी सागर राठी साहिल गुलिया दो ऐसे खिलाड़ी होंगे मेरे हिसाब से, डेफिनेटली उनको रिटेन करना चाहिए। दोनों ने बेहतर जोड़ी में प्रदर्शन किया है, जोड़ी बन के खेल रहे थे। शुरू के कुछ मैचों में थोड़ा सागर राठी की परफॉर्मेंस डाउन थी, लेकिन साहिल गुलिया ने थ्रू आउट द सीजन कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। तो उनके अगर साहिल की स्टैट है 22 मैच में 69 पॉइंट्स, सागर की 18 मैच में 67 पॉइंट्स, तो बेहतर स्टैट्स है। होपफुली ये दोनों खिलाड़ी रिटेन होंगे। और एक और नाम जो हिमांशु ने प्रदर्शन किया था, हिमांशु जो 21 मैचों में 21 रेड पॉइंट है, माफ कीजिएगा, और 16 टैकल पॉइंट्स है हिमांशु के नाम, तो एक एनवाईपी खिलाड़ी है, इनको जरूर टीम में रखा जा सकता है। तो मेरे ये 4 पिक्स हैं, नरेंद्र, साहिल, सागर और हिमांशु, ये 4 रिटेन होने चाहिए। एक जिसको हम मिस आउट करते दिख सकते हैं वो अजिंक्य पवार है, क्योंकि सेकंड हाफ में अजिंक्य पवार ने क्या किया ये अजिंक्य पवार भी अभी तक सोच रहे हैं। बेटर सपोर्ट रेडर की जरूरत है, जो कि शायद ऑक्शन में उनको मिले, बेटर सपोर्ट रेडर की ढूंढ खोज करनी होने वाली है उनको। चलिए पीकेएल सीजन 11 में देखेंगे तमिल थलाइवास का सीजन कैसा रहता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब खेल नाउ टीवी, और इस वीडियो को करते रहिएगा लाइक, करते रहिएगा।